अमेरिका के बॉबसन कॉलेज में भारत सरकार के खर्च पर पढ़ने वाली गौतम बुद्ध नगर के दादरी की होनहार छात्रा सुदीक्षा भारती की बुलंदशहर में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद को टॉप करने वाली छात्रा सुदीक्षा अपने चाचा के साथ मामा के घर औरंगाबाद जा रही थी, तभी बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर उनकी बाइक अचानक बुलेट से जा टकराई और होनहार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉबसन कॉलेज में स्टडी कर रही थी और छुट्टियों में घर आई हुई थी। 20 अगस्त को सुदीक्षा भाटी को अमेरिका वापस लौटना था। इससे पहले ही सुदीक्षा भाटी अमेरिका लौटती आज सड़क हादसे में होनहार छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही, उसके पास से बाइक हुआ एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया, हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा वो, स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल से हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी, सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर के उससे, और मैं उसको पहचान नहीं पाया, ऐसा बुलेट थी केवल उसमें और वो हो गया, तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है, मैं थोड़ा सा उसमें हो गया एकदम होश आवाज से मैं खो चुका हूँ। ओवरटाइम कई बार करा उसने, हाँ वो करा था उसने, तो ऐसा ये ऐसा हुआ था, आगे बाइक आगे निकाल, आगे कभी आगे निकाल रहे, कभी आगे निकाल रहे थे, कभी पीछे कर रहे थे, कभी आगे पीछे निकाल रहे थे, हमने बाइक मंदी की वहाँ से, मंदी करने के बाद में फिर भी हमने और मंदी करी, उन्होंने फिर दो चार बार ओवरटेक करा हमें, फिर एकदम हमारे आगे आके उसने ब्रेक मार दी, ब्रेक मारते कंट्रोल नहीं हो पाई बाइक, सूदी हमारी उसमें टक्कर लगी, टक्कर लगते ही हमारी भतीजी पीछे गिर चुकी है, उसके सर में चोट लगी, मैं भी गिर चुका हूँ, मैं भी गिरने के बाद भी उन्होंने खड़े होकर मैंने देखा है तो उसके ब्लड जाने लगा, देखा तो वो वहाँ पे शायद मुझे कुछ ऐसा महसूस ना, मैं होपलेस हो गया वहाँ पे, वो नहीं पढ़ती थी, मैं अपने बच्चे का वो लेने जाता डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे, वो यहाँ पे पढ़ता था औरंगाबाद जहंगीराबाद, बेटी हमारी अमेरिका, वो तो अमेरिका में पढ़ती थी और उसके मामा हैं यहाँ पे, पढ़ती थी तो वो अपने लास्ट वो बोली थी 20 तारीख में उसको वहाँ पे जाना था, तो वो कह रही थी लास्ट टाइम मैं भी मामा से के वहाँ पे मिले आऊँगी, तो मैं उनके डॉक्यूमेंट्स वो स्कूल से वो करा के ले आना, मग ठीक है चलो, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहे थे। ये बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी, ये उनके साथ थे, ये उनके चाचा हैं, तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से दो लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे, कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और एमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसे आप बुलंदशहर ले जाओ, मामला ख़राब है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बेटी को लेकर आए हैं, अभी पोस्टमार्टम रूम पर ही खड़े हैं यहाँ। बुलंदशहर हमारी US से अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी, उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे पौने चार करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसकी छुट्टियाँ पड़ी थी कोरोना की वजह से, वो यहाँ आ गई, अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था, उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं एक साल में या दो साल में कब वापस आ पाएगी, रास्ते में दुखद घटना हमारे साथ हो गई जिससे कि बेटी की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई है, बेटी अब यहाँ खड़े हैं, हम सभी लोग हैं यहाँ बुलंदशहर पोस्टमार्टम के लिए खड़े हैं बेटी के। निगम भाटी, पापा का नाम सतेंद्र भाटी, जितेंद्र, गांव डेरिस का नाम। अच्छा, तुम किस मोटरसाइकिल से आ रहे थे? स्प्लेंडर प्लस। नंबर याद है? UP 14। UP 14 26-33। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? हम आ रहे थे 30 की स्पीड से, दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल, पहुँच गए मामा के पास, पहुँच गए स्कूल में, मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ ही एक ही गैल चलेंगे, फिर दीदी ने कही ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जी से बात कर ली,
तो ठीक है, अब होश आया क्या, माने जो आ गए निकड़ गए, माने जो एकदम जो इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी, वो आदमी उन्हें भी सब पता हो जो आगे जा रही है उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम उसके में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उस पर, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। उसके बाद दीदी गिर गई? दीदी पीछे गिर गई, मेरे कुछ नहीं हो, मैं आगे जाकर गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरते सड़क पर से। आपको बता दें कि सुदीक्षा को भारत सरकार की तरफ से अमेरिका पढ़ने के लिए 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। वहीं सुदीक्षा भाटी के परिजनों का आरोप है कि जब बाइक से वो औरंगाबाद जा रहे थे तब उनकी बाइक का बुलेट सवार दो युवकों ने पीछा किया। कभी युवक अपनी बुलेट को आगे निकालते तो कभी पीछे स्टंट करने लगते थे। अचानक बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया जिससे उनकी बाइक बुलेट से टकरा गई और डिसबैलेंस होकर सड़क पर जा गिरी। इस हादसे में होनहार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। नहीं, भारत सरकार की नहीं, ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जाँच की जा रही है। देखिए, कल सुबह सुदीक्षा जी अपने भाई निगम भाटी के साथ अपने घर गौतम बुद्ध नगर के दादरी से अपने मामा जी के यहाँ, जो कि बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ जा रही थी। बाइक से जा रही थी, औरंगाबाद से 3 किलोमीटर पहले उनका बाइक ट्रैफिक के कारण, उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया। चोट लगी इनको, स्थानीय प्रशासन ने सूचना मिलने पे तुरंत CHC औरंगाबाद में भर्ती करवाया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है और अभी अभी औरंगाबाद के सुभाष सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके मामा जी के यहाँ गए थे। इनके मामा जी ने भी यही बताया है कि इनके भाई थे साथ में, चाचा नहीं थे। तो ये गलत खबर फैलाना कि चाचा थे साथ में, देखिए छेड़छाड़ की बात जहाँ पर तक आप लोग पूछ रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे इंक्वायरी होगी, जैसा आगे साक्ष्य मिलेगा उस तरह से जी। इनके मामा जी द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि उनके भाई थे साथ में, जो कि नाबालिग थे और हेलमेट पहने हुए नहीं थे। इसमें जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो ये है कि चाचा थे साथ में, चाचा बाइक चला रहे थे, वो बात गलत है। क्योंकि स्थानीय प्रशासन होने के नाते सूचना मिलते ही वहाँ एम्बुलेंस गई, उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जी सर, इनके परिवार के जो लोग हैं उनका ध्यान अलग अलग तरह से आ रहे हैं, तो इस पर कितनी सच्चाई है? जो एक कॉन्स्टेबल है उनका ये कहना है कि वो जो दीक्षा थी जिसका एक्शन हो गया, मर्डर हो गया, मौत हो गई है, उसमें गाड़ी बाइक वो चला रहे थे। देखिए, दो बातें हैं। एक तो यह है कि मौके के बाद, एक्सीडेंट के बाद इनके छोटे भाई जो CHC औरंगाबाद पे मौजूद थे उन्होंने बाइट दिया है, उनके चाचा तो वहाँ नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, आपकी छेड़छाड़ की है उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, पूछताछ की जाएगी, कुछ वीडियो फुटेज मिलेंगे। अब उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, काउंटर आर्गूमेंट आ रहे हैं, तो बाद में साक्ष्यों के आधार पर इंक्वायरी की जाएगी, उसके अनुसार तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। FIR का क्या स्टेटस है? FIR के स्टेटस के बारे में SPCP हमारे साथ जांच कराई जा रही है आपके द्वारा? अभी जांच ही की जा रही है, हम साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं। अभी औरंगाबाद के इंस्पेक्टर गए हुए हैं उनके मामा जी के घर, प्रशासन द्वारा कतिपय कोशिश की गई, कल से ही कोशिश की जा रही है कि उनके परिवार के अन्य लोगों से भी संपर्क हो जाए। अब चूंकि वो जनपद बुलंदशहर उनका निवास स्थान नहीं है, वो गौतम बुद्ध नगर के दादरी में रहते हैं,
हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनके परिवार वालों से संपर्क किया जाए, नहीं हो रहा है, मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है या जो नंबर दिया जा रहा है वो गलत है, हमने अपने आदमी भेज रखे हैं, जैसे ही कॉन्टैक्ट आएगा सबसे फिर स्टेटमेंट देंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर उसमें आपसे थोड़ी बात हुई सर, उसमें क्या निकल गया सर? देखिए एक्सीडेंट जब होता है कोई भी पहुँचता है तो सबसे पहले उनका ये एक ऑब्लिगेशन ड्यूटी होता है कि जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुँचाना चाहिए, वो किया गया स्थानीय प्रशासन के द्वारा, अस्पताल में उनकी मौत हो गई, अस्पताल में जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों का वीडियो वायरल है जो आप लोगों से शेयर किया जा चुका है, बाकी इंक्वायरी हो रही है, जैसा तथ्य निकल के आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं होनहार छात्रा की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्राइमरी से अमेरिका तक का सफर। गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील की रहने वाली सुदीक्षा बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। सुदीक्षा के पिता ढाबा चलाते हैं। सुदीक्षा ने बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूल से कक्षा 5 तक पढ़ाई की। प्रवेश परीक्षा के जरिए सुदीक्षा का एडमिशन HCL के मालिक शिव नदार के सिकंदराबाद स्थित स्कूल में हो गया। सुदीक्षा ने कक्षा 12 में बुलंदशहर टॉप किया और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उसका चयन अमेरिका के बॉबसन कॉलेज में हुआ। पढ़ाई के लिए सुदीक्षा को भारत सरकार की तरफ से 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।